हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनकी पत्नी को होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास कबीर कुटीर में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के लोगों को रंगों के त्योहार होली के पावन अवसर पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। होली के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। होली का त्योहार प्रहलाद की अग्नि परीक्षा के प्रेरणादायक प्रसंग से जुड़ा हुआ है। इस दिन होलिका दहन के रूप में बुराइयों की होली जली थी, इसलिए होली बुराई पर अच्छाई की जीत का भी त्यौहार है। होली खुशियों और रंगों का त्यौहार है। हरियाणा में तो हमेशा से ही 36 बरादरी के लोग हर त्यौहार मिलजुल कर मनाते आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हर हरियाणवी होली के अवसर पर आपसी सद्भाव, सहयोग और सौहार्द के संकल्प के साथ रंगों की छटा बखेर कर हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना को चरितार्थ करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी हरियाणा वासियों को होली की पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सीएम आवास पर आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर भी मौजूद रहे। उन्होंने सीएम नायब सैनी के साथ साथ राज्य के लोगों को भी होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। बहरहाल सीएम के होली मिलन कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शिरकत की। उन्होंने मंच पर पहुंचकर होली की शुभकामनाएं देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद और सीएम नायब सैनी जिंदाबाद के नारे लगवाए। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज़।